have to read oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी, जैसे कि हमने अपने डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं. देखिए इसमें इसके 5 टाइप्स हैं. नंबर 1 फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम 5 टाइप से समझ सकते हैं. जिनमें पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन कंबाइन होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो उसके बेस पे कौन से ऑक्सीडेशन है कौन से रिडक्शन है. तो देखिए इसमें नंबर 1 की बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन में होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि O फॉर ऑक्सीजन और O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड, ऑक्सीजन इज कंबाइंड इन एनी सब्सटेंस. इस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन कंबाइंड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन बोलते हैं. इस कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो जिसमें ऐड होगी इसकी बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे देखिए सल्फर, और सल्फर में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये SO2 बनाती है. ठीक है, इसके अलावा कार्बन में अगर ऑक्सीजन ऐड होगी ये भी क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा. ठीक है, इसके अलावा और देखिए जैसे मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, यानी अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है कंबाइन हो रही है, देखिए यहाँ पे ऐड हो रही है सब में कंबाइन हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, सब में ऐड हो रही है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ऐसी बहुत सी रिएक्शन हैं जिनको हम इस तरह से समझ सकते हैं. नेक्स्ट इसमें देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसमें से रिमूव होगी. यहाँ ऐड हो रहा है कंबाइन हो रही है तो वहाँ पर रिमूव होगी. पहले एक बात लिख दीजिए कि ऑल कंबस्टन रिएक्शन या ऑल कंबस्टन प्रोसेस आर ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जितने भी कंबस्टन प्रोसेस हैं वो क्या है, सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं. कंबस्टन का मींस जलाना, किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन प्रेजेंस में करेंगे, वो भी क्या है, सब जितने कंबस्टन प्रोसेस को सबको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इंक्लूड करते हैं. इसी में देखिए नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन. जैसा कि मैंने बताया जस्ट अपोजिट एक दूसरे की, यहां कंबाइन हो रही तो यहां रिमूव होगी. ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस होती है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, इज कॉल्ड
रिडक्शन
इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलते हैं. इसमें हाइड्रोजन क्या हुई है? कंबाइन हुई है. उसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन. इसका एग्जांपल देखिए. इसमें जैसे इसी का जस्ट अपोजिट लीजिए. इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन H2+Cl2 दोनों जब ऐड होंगे HCl ऐसे बनाते हैं. ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है क्लोरीन में. क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है. ठीक है, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया इसका. यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, निकल गया हाइड्रोजन ऐसे. ठीक है, और देखिए इसमें एग्जांपल, जैसे एथीन का एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम है एथीन या जो एथीन है. ठीक है, एथीन बोल दो या एथीन बोल दो. एथीन और एथीन, ठीक है, प्रोनंसिएशन का फर्क है, बाकी जो है सेम है. कहीं कहीं इसको एथीन बोल दिया जाता है, कहीं कहीं इसको इथीन बोलते हैं. इथीन और एथीन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको जो कंपाउंड है वो क्या है? CH2 यानी एथीन या इथीन. इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, तो यहाँ से देखिए कैसे, यहाँ से जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं. यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाती है. यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. एथीन से क्या बना? एथेन बन जाएगा हमें. ठीक है, या हम इसको इथेन भी बोल देते हैं. एथीन से एथेन बन जाता है या इथीन से इथेन बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हुई है? ऐड हुई है. हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं. ये जो टाइप का हाइड्रोजन बेस पे था, ठीक है, इसको भी इसके साथ करके नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टाइप है थर्ड. थर्ड देखिए इसमें सेकंड टाइप का थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. वो ये हमको पढ़ना है. इसमें देखिए
यहाँ देखना है आपको इसमें कि देखिए अभी हमने हाइड्रोजन बेस पर पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेस पर पढ़ा हमने अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन है, कौन सी है, रिडक्शन है, और अगर रिमूव होती है हाइड्रोजन तो कौन सी है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बेस पर पढ़ा हमने अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिमूव होती है तो वो रिडक्शन है। अगर आपने इसको ऑक्सीजन को समझ लिया है, हाइड्रोजन के बेस को समझ लिया है, तो हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बेस पर समझ सकते हैं इसको। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए अगर कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसी में ऐड होगा, किसी में ऐड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसी में से रिमूव होगा तो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ऑक्सीजन के बेस पे करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर रिमूव होगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बस इतना सा काम करना है हमको, ये समझ में आना चाहिए, बाकी फिर रिएक्शन को ज्यादा टफ नहीं है। देखिए इसमें नंबर वन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, देखो द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन विच एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन विच एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अब देखिए एक बार ध्यान रखना, जो चार्जेज है किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा उसके लिए आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था, वो टॉपिक जो है आप देख लेना, उसमें कैटायन और एनायन वाला, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कंबाइंड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कंबाइंड, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंड होगा इज कॉल्ड कंबाइंड इन एनी सब्सटेंस, इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करते तो देखिए यहाँ पे Mg प्लस Cl2, मैग्नीशियम और क्लोरीन, देखिए मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है 2, इसके ऊपर माइनस 1 चार्ज होता है, दो क्लोरीन के ऊपर माइनस 1 और माइनस 1 कितना होता है, माइनस 2 चार्ज हो गया, ठीक है। क्या बना लेंगे, MgCl2 बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन, सॉरी देखिए रिडक्शन है, ठीक है, इसको नाम दीजिए रिडक्शन, कौन सी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है इसमें, इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिमूव की बात लेके हमने, रिमूव की बात करते तो ऑक्सीडेशन होता, हमने यहां पे क्या किया, ऐड किया, कंबाइन किया, इसलिए कौन सी है, रिडक्शन है। यहां पे ऐड हुआ इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। इसके अलावा Na प्लस Cl2, हालांकि देखिए Na और Cl क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ऐड होता है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने पे क्या बनेगा, ये NaCl बनता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलने से। देखिए इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज होता है, यहाँ माइनस 1, ठीक है, ये क्या करेगा, प्लस 1 जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसमें आके ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा, द रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रेडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी
जो रिएक्शन उनमें वे रिएक्शन जिनमें दोनों रिएक्शन पाए जाए रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो रेडॉक्स ना हो, सभी में रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन भी होता है तो ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, जिसमें नेगेटिव एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो इसके जैसे देखिए सॉरी इसमें क्या होगा तो रिलीज होगा, ठीक है। कंबाइन करके क्या करना है आपको, रिलीज करना है। रिलीज फ्रॉम एनी सब्सटेंस उसको बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे FeCl3 प्लस H2, ठीक है। ये है फेरिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब जब देखिए इसमें से क्या होगा, ये क्या बनाएगा यहाँ से FeCl2 और HCl, ठीक है। यहाँ पर इसने कंपाउंड बनाया, इसमें देखिए यहाँ 3 क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन थे अपने 3 क्लोरीन थे, यहाँ से एक माइनस हो गया, 2 क्लोरीन रह गए ओनली, ठीक है। तो एक रिलीज हो गया, तो रिलीज हो गया इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन है। हालांकि इसमें ऑक्सीडेशन भी है, वो देखिए कैसे ऑक्सीडेशन है वो बता रहे, देखिए अभी कैसे ऑक्सीडेशन है वो देख लिया। यहां से एक क्लोरीन निकला, रिमूव हुआ और हाइड्रोजन लगा के ऐड हो गया, तो यहां ऐड तो हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड भी हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, दोनों ही है इसमें। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जो कि रेडॉक्स ना हो, सभी कैसी है रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिनमें दोनों पाई जाती है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। इसके एग्जांपल से नोट कर लीजिए इसे। इसके अलावा देखिए इसमें HCl ये भी क्या करेगा, H2 और Cl2 गैस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, एनायन बनाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, ये कौन सी है रिडक्शन रिएक्शन है। ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, इसके साथ लेकर के एक चार टाइप्स है इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, ये फोर्थ टाइप था, ठीक है। ये जो था आपने फोर्थ टाइप है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है, ये तो लास्ट टाइप को देखिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है कोई भी,
उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे कोई एक एलिमेंट है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये क्या बना लेगा, ए प्लस। ठीक है, सपोज कीजिए कोई एक एलिमेंट है बी, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, बी माइनस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या समझ रहा है आपको, इसमें देखिए क्या है कि जब कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और अगर कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो ऑक्सीडेशन किस तरह से है और रिडक्शन किस तरह से, वो देखिए, अगर कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर कोई गेन करता है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, अगर कोई गेन करेगा तो उसको रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें एक बात नोट करने की, क्या है यहां पर देखो, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब किसी भी एटम के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो उसको हम जीरो चार्ज मानते हैं, क्या मानते हैं, जीरो चार्ज। ठीक है, इनके ऊपर जीरो चार्ज है, तो यहाँ देखिए जीरो से जो चार्ज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर प्लस वन चार्ज आ गया, इसका मतलब एक चार्ज इसमें इंक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब इंक्रीज होना, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हुआ है, यहाँ तो चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज, यहाँ चार्ज इंक्रीज हुआ है और यहाँ चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज हुआ है। तो अगर देखिए बात करना है, जो बात करने का नहीं, क्या देखिए ये है कि अगर चार्ज डिक्रीज होगा, अगर चार्ज डिक्रीज होता है किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का या एटम का, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये दो बातें जो है नोट करने की है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखिए चार्ज इंक्रीज होगा और रिडक्शन में क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, इनको भी एग्जांपल से समझेंगे कि पहले एक चीज लिख लीजिए आप कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, चार्ज इंक्रीज और रिडक्शन में चार्ज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब इसमें टाइप की बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, रिलीज करने पर चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर समझिए इसको,
माइनस टू इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, ये सीएल माइनस है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पहले से ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, इसको अगर एक रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन तो ये सीएल रह जाएगा, इसको न्यूट्रल एटम बोलेंगे हम, इसको हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज करने से इसने न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन कर लिया, जब दो इलेक्ट्रॉन से रिलीज करेगा तो सीएल को बना देगा, क्योंकि दो आयन है आपके क्लोरीन में, वो रिलीज किए इसने, ये क्या है ऑक्सीडेशन, रिलीज करेगा। नंबर टू रिडक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गेन इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्ड अब गेन करेंगे ना अपन, इस कार्ड रिडक्शन, इसको हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें जैसे क्लोरीन है, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास में, क्या हो जाएगा ये सीएल माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये सीएल माइनस हो जाता है। और देखिए यहाँ पे जैसे MnO4 माइनस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये भी क्या बनाएगा यहाँ पे MnO4, देखिए एक चार्ज इसके पास में पहले से है माइनस, एक और आ गया तो ये क्या होगा माइनस टू चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसमें Mg प्लस टू है, इसे में रिलीज कर रखे हैं पहले से, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसने पहले से रिलीज कर रखे हैं, अब वापस गेन कर लिया इसने तो ये न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल से रिडक्शन के, यहाँ इसने मैग्नीशियम, फिर देखिए इसमें मैग्नीशियम के ऊपर प्लस टू चार्ज है, इसने दो इलेक्ट्रॉन से रिलीज कर दिया मतलब, और दो गेन करेगा वापस तो ये न्यूट्रल बन जाता है, यानी इसमें डिक्रीज हुआ है चार्ज, तो क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। नेक्स्ट आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको इसकी शॉर्ट लेकर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।